हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम लौकी, 300 ग्राम लौकी जिसे मैंने धोकर छील लिया है और दो हिस्सों में मैंने इसे कट कर लिया है। और अब हम इसे कद्दूकस से कस लेंगे, घिस लेंगे। और इसके बाद में मैंने इसे लौकी को घिस लिया है सारी को। थोड़ा सा इसे हल्के हाथ से निचोड़ कर हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल कर एक बर्तन में डाल लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन, 1 छोटा कप मैंने या कटोरी से आप नाप कर इसमें बेसन ऐड करना है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच चाट मसाला और 1/4 स्पून गरम मसाला और 2 पिंच हम इसमें मीठा सोडा ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लौकी में अभी काफ़ी सारा पानी है जिससे ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें जो लौकी के कोफ्ते हैं उनको डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें शेप नहीं देनी है और दोनों साइड से हम इन्हें अलट पलट कर सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो ये सारे लौकी के कोफ्ते मैंने सेक लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसे गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ते, 2 साबुत लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा। इनको अच्छे से चटकने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा हींग ऐड किया है और ही इसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच बेसन। बेसन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और 2 से 3 मिनट में बेसन भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी, 1 से 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक, थोड़े से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। नमक मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है और थोड़ी सी क्रश करके इसमें कसूरी मेथी मैंने ऐड की है। जब तक कढ़ाई से ऑयल रिलीज़ होने लगे तब तक हमें इसे मसाले को भूनना है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और इसके बाद में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप फेटा हुआ दही। और दही को ऐड करने के बाद में इसे थोड़ा जल्दी जल्दी हम चला लेंगे और दही जब तक अच्छे से भुन ना जाए सारी चीज़ें तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और इसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद में इसे ढककर थोड़ी देर के लिए हम कुक कर लेते हैं जब तक पानी में एक उबाल आ जाए अच्छे से। तो पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है और इसके बाद में मैंने इसमें अब ऐड किया है नमक। अगर हम नमक पहले ऐड कर देते तो दही फट सकती थी, इसलिए मैंने इसे नमक बाद में ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी के बनाए हुए कोफ्ते। और कोफ्ते ऐड करने के बाद में इसे थोड़ी देर तक 3 से 4 मिनट तक हम ढककर कुक कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में हमारे लौकी के कोफ्ते हैं
देखिए एकदम तैयार हो चुके हैं। अभी ये थोड़ा इनमें पानी है, थोड़े पतले हैं, लेकिन जैसे जैसे लौकी के कोफ्ते ठंडे होंगे ये जो पानी है इसमें उसको सोख लेंगे, तो ये अपने आप थोड़ी देर में गाढ़े हो जाएंगे। देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हुए हैं। मेरे पास में आज धनिया नहीं है, लेकिन आप जब भी बनाएं तो इसे हरे धनिया के पत्तियों से गार्निश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।